हैंड ड्राइव कर दो गाड़ी में। टैक्सियों का रूल बनाया है दो पैसेंजर बैठने हैं उसमें, पीछे दो पैसेंजर बैठेंगे, गाड़ी के ड्राइवर को सैनिटाइज करनी पड़ेगी खुद से गाड़ी और स्टेशन पर खड़े, यही रूल बनाया केजरीवाल ने। और हम लोग खुश भी हैं कि कम से कम टैक्सियां चल रही हैं, दो महीने से घर में बैठे हुए थे, परेशानी हो रही थी सबको। ऑटो में एक पैसेंजर अलाउ है, टैक्सी कैब में दो पैसेंजर अलाउ है। हाँ, खुश क्यों नहीं, अब बैठे हुए थे दो महीने से, किसी के घर में राशन नहीं, किसी के घर में कुछ, बहुत परेशानियां चल रही थी। ऑटो टैक्सी ड्राइवर रोज कमाते हैं, रोज खाने वाला सिस्टम है इनका, और दो महीने घर में रहना समझ लीजिए कि भुखमरी के कागार पे हो गए। कुछ लोगों को पैसा भी मिला और कुछ लोगों को पैसे भी नहीं मिले, तो वो और ज्यादा परेशान रहे ड्राइवर हमारे। रूल ये बनाए कि ऑटो पे एक सवारी, टैक्सी पर दो सवारी अलाउ की है। इससे आप खुश हैं? ऐसे तो अभी प्रेजेंट में तो खुश है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई फैमिली वाला हो तो वो कैसे जाएगा? अगर एक फैमिली वाला आदमी हो, जैसे अगर पति पत्नी है तो वो दो ऑटो कैसे कर जाएंगे? अगर सरकार दे तो जैसे मैं सवारी और ड्राइवर को जो सोशल डिस्टेंस में बना रखा हूँ, तो दो सवारी अगर इजाजत दे तो सवारियों के बीच भी सोशल डिस्टेंस में बना सकता हूँ। नहीं, टैक्सी ऑटो जो चालू करें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दो महीने हो गए, तो दो महीने के अंदर इनकी स्थिति ऐसी खराब हो गई थी, घर के अंदर इनके राशन वासन और दूध वूध की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, भुखमरी के कागार पर ये खड़े हो गए थे दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले। तो जो भी कर सरकार ने निर्णय लिया भाई, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में अगर जो इन्होंने ये करा है एक सवारी ऑटो के अंदर, तो एक सवारी का ऑटो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर अगर बच्चों के साथ कोई सवारी आएगी तो वो तो दो भी आएंगी, तीन भी आएंगी, और टैक्सी के अंदर भी ऐसी जाता रेलवे, अब टैक्सी के अंदर दो सवारी, कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए। अब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली सेंट्राइज करने की, सारी चीज़ें करने की, सरकार को ये सोचना चाहिए था चलो भाई हम बढ़ा दें, ठीक है ना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात ये कह रहा हूँ, कोरोना जो बीमारी आ गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, क्या वर्ल्ड के अंदर है, कम से कम सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, पॉलिसी ये लेके आनी चाहिए भाई, इनको इंश्योरेंस से कवर करना चाहिए। कल को भगवान ना करे किसी के साथ, ड्राइवर के साथ, चालक के साथ कोई बात हो जाती है, इंश्योरेंस के माध्यम से इनको मिलना चाहिए। सरकार ने आर्थिक पैकेज तो बहुत दिया लोगों को, मगर इस उद्योग के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। और केंद्र सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक इनकी भारी तादाद है ऑटो रिक्शा टैक्सी, इनके लिए भी कोई रात का आर्थिक पैकेज लागू करना चाहिए था।